बीती रात शराबियों ने जमकर मचाया उत्पात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं झा। बीती रात नए बस स्टैंड के पास सौंदर्या होटल में एक वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान बारात में आए दो शराबियों ने जमकर शराब पी और वहां पर जमकर मचाया उत्पात। इस बात की जानकारी जब पुलिस को हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने थाने में भी उत्पात किया, पुलिस वालों से वाद विवाद करने की कोशिश की। इस दौरान थाने के कांच भी टूट गए। बामुश्किल बारातियों को समझाइश दी गई, दोनों बारातियों को पुलिस ने काबू में किया। बीती रात रीवा शहर के नए बस स्टैंड के पास सौंदर्या होटल में एक वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें तमाम लोग एकत्र थे। उसी दौरान दो लोगों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया, परिवार को परेशान किया, आसपास इलाके में रहने वाले लोगों को परेशान किया। इस बात की जानकारी जब पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के साथ झूमा झटकी की, पुलिस वालों की वर्दी भी फट गई। पुलिस जब इनको थाने में लेकर गई तो वहां भी इनने उत्पात मचाया, कांच भी टूट गया। तिलक समारोह का आयोजन था, उस होटल के परिसर में इन्होंने जमकर शराब का सेवन किया। शराब के नशे में ये होटल के बाहर निकल कर आए और वहाँ भी इधर उधर टहलते हुए लोगों को लगातार परेशान कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। इस मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने इनको समझाइश दी, काफ़ी ज़्यादा नशे में थे ऐसा लोगों का मानना है, प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है, पुलिस का मानना है। लेकिन वो पुलिस कर्मियों के साथ भी झूमा झटकी करते नजर आए। पुलिस जब इनको थाने में ले गई तो वहाँ भी इन्होंने जमकर उत्पात मचाया। पूरे मामले को लेकर हमने डीएसपी उमेश प्रजापति से बात की, उनका कहना था दो युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने पुलिस वालों से ही झूमा झटकी की, जिसके चलते कुछ पुलिस वालों की वर्दियां फट गईं। दोनों युवकों को समान थाने में लाया गया है, उनको अब बैठाल दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है, मेडिकल कराने की तैयारी कर रही थी। सुनिए उमेश प्रजापति डीएसपी रीवा पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। सर, तोड़फोड़ पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई है, क्या घटना है? ये थाना समान अंतर्गत होटल सौंदर्या में कुछ वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें ग्राम पटवारा के दो सगे भाई हैं, रोहित द्विवेदी और पुष्पेंद्र द्विवेदी शायद नामक व्यक्ति हैं, वो शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा उन्होंने किया था, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त हुई थी। और पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो काफ़ी ये लोग शराब के नशे में थे और गाली गलौज कर रहे थे। पुलिस ने रोकने का इनको प्रयास किया तो पुलिस के साथ भी इन्होंने झूमा झटकी की है, जिसमें एक दो लोगों की वर्दी भी कट फट गई है। थाने आके भी तोड़फोड़ थाने के हाँ थाने में भी, या क्योंकि ये शराब के बहुत ज़्यादा नशे में इनको होश नहीं है तो इन्होंने थाने में भी तोड़फोड़ का प्रयास किया है। कांच टूटा हुआ है, ये कांच में मुक्का मार दिया था जिसमें कांच भी थाने का टूट गया है। कैसी कार्रवाई की जाएगी सर? इसको चूंकि ये अभी शराब के नशे में है तो अभी इनका मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है और मेडिकल के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। घटना लगभग कितने बजे की है? घटना करीब 11:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। कहाँ की घटना सर? ये सौंदर्या होटल में वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, वहीं की घटना है।